Hello everyone, this is Syed Shahbaz here. Today we are going to discuss about DRDO, दोस्तों. जी हाँ, आपने सही सुना. आज हम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. उनके जो लेटेस्ट मिसाइल टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. और साथ ही साथ हम इस लेक्चर में जानेंगे हाउ टू यू नो इंडिया जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए जो बूस्ट कर रहा है आने वाले जो 3 सालों से. अगर आपने देखा होगा 2018 से इन्होंने बूस्टअप किया था. तो सारा कुछ मैं बताऊंगा और जाते जाते हम कंपैरिजन भी देखेंगे दोस्तों. इस लेक्चर में हम चाइना के साथ कंपेयर करेंगे और दूसरे रशिया हो गया और जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ हम कंपेयर करेंगे ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह हमारे इंडिया को भी ज़रूरत है हमारे जो डिफेंस प्रोडक्शन को रैम्प अप करने की जो और ज़्यादा तेज़ी बढ़ाने की और एक्सपोर्ट्स में किस तरह हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. ये सारा कुछ हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. और आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ ये जो वीडियो है ये बीट्स यूट्यूब चैनल के ज़रिए से पेश किया जा रहा है दोस्तों. आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि हमारे इंडिया में किस तरह से जो टेक्नोलॉजी से वो डेवलप की जा रही है और हम भी किसी कंट्री से कम नहीं. ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं. तो जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि इंडियन नेवी के जो ज़रूरत के लिए जो मिसाइल्स थे DRDO के द्वारा डेवलप किया गया था जिसका नाम इन्होंने एडवांस शॉफ टेक्नोलॉजी रखा है. इसका एक मकसद है कि वो नेवल शिप जो भी है उसके जो एनिमी अटैक होते हैं उसके मिसाइल्स को ये रोक सकता है, मतलब काउंटर मेजर कर सकता है. ओके, सो इसमें 3 टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज इन्होंने यूज़ की है. एक आपके आपको शॉर्ट रेंज शाफ रॉकेट है और दूसरा मीडियम रेंज शाफ रॉकेट है और तीसरा लॉन्ग रेंज शाफ रॉकेट. जैसे कि आप यहाँ पे इमेज पे भी देख पा रहे हैं ये तीनों जो इमेजेस मैंने लगाए हैं यहाँ पे ये 3 कैटेगरीज के बारे में है. और इनका जो मेन मकसद है कि वो जो एनिमी अटैक जो मिसाइल्स है उसको काउंटर मेजर कर सकते हैं दोस्तों. ओके, और आपको जानकर हैरानी होगी ये कम्प्लीटली इंडिजीनियस डेवलप्ड बाई DRDO है. हमने किसी से कोई टेक्नोलॉजी बारो नहीं की, हमने किसी को भी जो है पार्टनर नहीं बनाया. ये कम्प्लीटली इंडिया में ही बनाया गया था एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ब्रेक थ्रू माना जा रहा है क्योंकि हमारे पास इस तरह के मिसाइल बहुत ही कम थे जो काउंटर मेजर को प्रोवाइड कर सके. राइट, और ये जो सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ दिस एडवांस शाफ्ट टेक्नोलॉजी इज अनदर स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत. जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के बारे में एक नारा लगाया हुआ है क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों. राइट, अगर आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, अगर उसने आपके साथ रिलेशंस जो है टाइज खराब हो जाएंगे तो यू विल बी स्टैंड बेयर हैंडेड. इस डिपेंडेंसी को रोकने के लिए हमारे मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत कैंपेन भी चलाया है. एक्चुअली आप नॉट ओनली इन गवर्नमेंट की बात करें तो अब सेल्फ डिपेंडेंस भी रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है कितना आप सेल्फ डिपेंडेंस रहेंगे उतना जो है आप अपने आप को डेवलप कर पाएंगे. अब एक इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूँ. ओके, देखिए द इंडियन आर्म फोर्सेज आर ट्राइंग टू बी सेल्फ रिलायंट और ये जो फॉरेन मैन्युफैक्चर से जो हमें रोजाना जो टेक्नोलॉजीज आ रही थी और जो वो लोग जो है गुड्स भेजा करते थे, इस तरह के मिसाइल्स भेजा करते थे, उसके ऊपर की जो डिपेंडेंसी है वो हमको आगे चलकर कम होने को देखने को मिलेगी. और जैसे मैंने आपको बताया शाफ जो इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज की गई है इज नथिंग बट एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी. ओके, सो व्हाट इज काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी, ये कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा. राइट, देखिए नाम में भी है, अगर कोई एनिमी हमारे पर अटैक करता है तो उसको हम डाइवर्ट करना, उसको हम जो है रिटेलिएट करना, उसको काउंटर करना, ये ताकि जो हमारी मिसाइल जाकर उसको अटैक कर दे बिफोर इट अटैक्स अस, तो उसको हम कहते हैं काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी. और उसको किस तरह से ऑपरेट किया जा रहा है, इस जो मिसाइल्स हमने देखा अभी 3 टाइप्स के जो मैंने आपको शाफ टेक्नोलॉजी बताया था उसको इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया जाएगा दोस्तों. ओके, तो इसका मकसद ये है कि जो एनिमी का जो रेडार है और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल्स है उससे हमको बचाए रखेगा इस तरह के मिसाइल्स. ओके, और इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो भी बहुत ही अहम है हमारे, चाहे आप इंडियन आर्मी को ले लीजिए या फिर नेवल शिप्स को ले लीजिए. आगे चलकर मैं आपको दूसरे मिसाइल्स के बारे में बताऊंगा जिसमें हेलिना है और ध्रुवास्त्र है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. वो भी एक एंटी मिसाइल्स ही हैं, उसको भी रिसेंटली टेस्ट किया गया. और आकाश मिसाइल है, आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल भी इसी साल उसको टेस्ट आउट किया गया था. सारे 1 by 1 आज हम पढ़ेंगे. तो रिसेंटली जो है नेवी इसके सक्सेसफुल ट्रायल्स भी कंडक्ट कर चुका है दोस्तों. अरेबियन सी में इसके ट्रायल से चले थे एंड द परफॉर्मेंस की अगर बात करें आप उसकी सेटिस्फैक्ट्री की तो जो उसका एक्यूरेसी था वॉज वेरी मच अप्रिशिएटेड और कई लोगों को सेटिस्फैक्ट्री भी रहा जो एक्सपर्ट्स रहे.
और DRDO जो है अभी इस तरह के फ्यूचरिस्टिक जो थ्रेट्स आने वाले हैं, इन केस हम आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से 2020 में हमारे इंडिया के पास जो चाइना का स्टैंड ऑफ रहा है, इस तरफ पाकिस्तान भी अपनी मिलिट्री को बढ़ा रहा था बॉर्डर के पास, तो अगर हम इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप करते रहेंगे तो उन लोगों के अंदर भी एक खौफ बना रहेगा कि इंडिया भी अभी पीछे नहीं है, उसके पास भी कई सारे टेक्नोलॉजीज हैं, राइट। और आगे चलकर इसको लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करने की भी बात की गई है, इट वॉज सक्सेसफुली सेटिस्फैक्टरी भी है। और DRDO के कई जो चीफ्स हैं, जो सतीश रेड्डी, उन्होंने भी कंग्रेचुलेशन किया है इसके सक्सेसफुल के ट्रायल के टाइम पे, एंड आगे चलकर इन्होंने कई सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज भी लाने की बात की गई है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मिसाइल्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल। आकाश जो है एक नई मिसाइल नहीं है दोस्तों, एक नया जनरेशन लाया गया है। इसमें एक्चुअली आपको 3 वेरियंट्स देखने को मिलेंगे, मैं आपको इसके वेरियंट्स भी बताऊंगा, बट प्रेजेंटली हम न्यू जनरेशन मिसाइल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये एक जो है मीडियम रेंज मिसाइल है जो सरफेस टू सरफेस काम करती है। ओके, जो सरफेस में आपने इसको निशाना लगाया, इट विल गो हिट अनदर जो एनिमी की जो टैंकर है या कोई भी हो जो सरफेस पे मौजूद हो उस पर वो अटैक करती है। इसको भी DRDO के द्वारा डेवलप किया गया, बट इसके थोड़े पार्टनर्स भी हैं, जैसे कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हो गया, राइट, इन्होंने भी इसका साथ दिया है, और टाटा पावर स्ट्रैटेजिक इंजीनियरिंग, इन्होंने भी इसको डेवलप करने में मदद की है, एंड इट हैज़ ए कैपेबिलिटी टू न्यूट्रलाइज एरियल टारगेट्स ऑल्सो दोस्तों। ओके, जो एरियल टारगेट्स भी रहते हैं उसको भी न्यूट्रलाइज करने की इसमें एक नए जनरेशन में टेक्नोलॉजी डाली गई है, और फॉरऑल उसके बाद आपको एयर टू सरफेस मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, जो क्रूज मिसाइल्स हैं, ये सारा कुछ आपको इसको टैकल करने की, उसको न्यूट्रलाइज करने की टेक्नोलॉजी इसमें डाली गई है। ओके, और इसको ऑलरेडी जो है डिप्लॉय भी कर दिया गया है विद इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, दोनों की जगह आपको डिप्लॉय भी कर दिया गया था। इसका जो सक्सेसफुल ट्रायल था वो इसी साल जनवरी में किया गया था दोस्तों, और फाइनली उसको डिप्लॉय भी कर दिया गया था। अभी अब वेरिएंट्स की बात करेंगे। ओके, जैसे मैंने आपको बताया ये आकाश न्यू जनरेशन जो है कोई नया मिसाइल नहीं है, इसमें कई सारे टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया गया फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी पहला वेरियंट अगर आप देखेंगे आकाश 1S इसका नाम था, इसकी जो स्ट्राइक रेंज थी वो 30 किलोमीटर थी, एंड इट कैन ऑल्सो कैपेबल टू कैरी 60 किलोग्राम, 60 kg का वॉरहेड कैरी करने की भी इसके पास क्षमता रही। और उसके बाद Mark 2 लाया गया। ओके, ये भी जो इसका रेंज था 40 किलोमीटर था, और इसकी एक्यूरेसी की बात करें व्हेन कंपेयर टू द आकाश 1S उसको इंक्रीज कर दिया गया था दोस्तों। एंड नेक्स्ट आकाश NG जो मैंने अभी आपको बताया, जो न्यू जनरेशन मिसाइल है आकाश NG, उसकी जो रेंज है वो भी बढ़ा दी गई 80 किलोमीटर। ऑब्वियसली जब किसी मिसाइल में डेवलपमेंट किया जाता है तो उसके रेंज में और उसके वॉरहेड कैपेबिलिटी में डेवलप किया जाता है, राइट। और इसकी खास बात यह है कि इस बार जो नया जनरेशन मिसाइल है वो इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे है दोस्तों। ओके, जो कि मल्टी फंक्शन रेडार इसमें डाला गया है, सो दैट जो एनिमीज का जो रेडार है उसको डिटेक्ट कर पाएगा एग्जैक्टली। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में ही बताया था कि इंडिया ने और 2 मिसाइल्स भी टेस्ट किए, उसका नाम है हेलिना एंड ध्रुवास्त्र। ओके, जो कि हेलिना एक इंडियन आर्मी के लिए और इंडियन एयरफोर्स के लिए ध्रुवास्त्र यूज किया गया है, जैसे कि आप इमेजेस पे भी देख पा रहे हैं, वहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है हेलिना। एंड अगर आप देखा होगा लेफ्ट साइड में ये ट्रायल्स कंडक्ट कर रहे थे पोखरान में, एक्चुअली इसके ट्रायल्स को कंडक्ट किया जा रहा था, ये भी इसी साल फरवरी में जो है टेस्ट कंडक्ट किए, सक्सेसफुली इट वॉज कंडक्टेड। और इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी है दोस्तों। ओके, चाहे आपको आसमान में विजन ठीक ना हो, चाहे आसमान में बारिश पड़ती हो, कुछ भी हो, ऑल वेदर डे एंड नाइट आप नाइट में भी उसको यूज कर सकते हैं, ताकि जो भी बैटल टैंक्स हैं उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो 2 मिसाइल्स DRDO के द्वारा डेवलप किए गए थे, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एंटी टैंक वेपन्स। ओके, और इनकी जो इट सेट 5 मिशन वर कैरिड आउट, इसकी मदद से 5 मिशन भी कैरिड आउट किए गए हैं, एंड इट कैन बी यूजफुल फॉर बोथ मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज। ओके, दोनों रेंज को भी जो है इसको यूज किया जा सकता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इमेज पे भी। एंड द हेलिना एंड ध्रुवास्त्र वे 3rd जनरेशन मिसाइल है दोस्तों, जो कि टारगेट को एंगेज करते हैं डायरेक्टली, और एज वेल एज जो टॉप से यानी हेलीकॉप्टर से कोई हमारे पर अटैक कर रहा है, राइट, या फाइटर जेट से कोई अटैक कर रहा है तो उसको भी ये टारगेट करने की क्षमता रखती है। तो दिस इज अबाउट हेलिना एंड ध्रुवास्त्र। और उसके बाद कई सारे टेस्टिंग किए गए, अगर आपने देखा होगा लास्ट ईयर 2020 में सितंबर और अक्टूबर के बीच में
कई सारे डीआरडीओ के रैपिड टेस्टिंग शुरू हो चुकी थी दोस्तों, राइट। उसके मैं थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम हमारे कंपैरिजन विद अदर नेशंस पे चले जाएंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो पहली पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो डीआरडीओ लास्ट ईयर जो सेप्टेम्बर की बात है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकिल को टेस्ट किया गया था, जो कि एक स्क्रैम जेट व्हीकिल माना जाता है, और इसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ साउंड से मैच करती है, राइट। ट्रैवल एट 6 times द स्पीड ऑफ साउंड। और इसके बाद कई सारे, क्योंकि डीआरडीओ ये दिखाना चाहता है कि हमारे पास भी हम इंडिजीनियसली एक हाइपरसोनिक व्हीकिल्स को डेवलप कर सकते हैं, ओके, ताकि आगे चलकर आप इनकेस ऐसा ना हो, इनकेस अगर कोई वार हो जाती है तो हम सारी टेक्नोलॉजीज को हम इंडियन आर्मी के डिप्लॉय कर सकते हैं, एंड वी कैन बी एट यू नो स्टेप अहेड विद द अदर नेशंस ऑल्सो, राइट। तो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, ये भी जो है डेवलप किया गया था डीआरडीओ के द्वारा, ओके, फॉर एवोल्यूशन फॉर वेरियस मिसाइल सिस्टम्स जो है इसमें अंडर यूज किए जा सकते थे। नेक्स्ट उसके बाद लेजर गाइडेड एंटी जो है गाइडेड मिसाइल है, जो कि विद द हेल्प ऑफ लेजर टेक्नोलॉजी हमने जो है एक मिसाइल को भी डेवलप किया, और उसका जो टारगेट है उसका रेंज की अगर आप बात करें तो 3 किलोमीटर रेंज का इसका हिट करेगा टारगेट, राइट। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रह्मोस सरफेस, ओके। देखिए ब्रह्मोस मिसाइल जो है आपने कई बार न्यूज में सुना होगा, आपके एग्जाम्स में भी पूछा गया होगा, राइट, इसके बारे में। तो थोड़ी रिसेंटली जो क्या हुआ, ब्रह्मोस की एक न्यू टेक्नोलॉजी मिसाइल भी टेस्ट की गई है, विच इज सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक, ओके, एक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है जिसे हम LACM भी कहते हैं, ओके, और एक इंडिजीनियस बूस्टर है, इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है इसको, और खास बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत के अंडर ही इसको डेवलप किया गया था, मेड इन इंडिया, ओके। और जो नेवल वर्जन ऑफ ब्रह्मोस है वो भी सक्सेसफुली जो है टेस्ट फायर किया है दोस्तों, और उसके रिजल्ट्स भी बहुत ही बेहतरीन आए हैं। और इसको कहाँ पे टेस्ट किया गया था, इन द अरेबियन सी, जो भी हाल ही में हमने पहली जो मिसाइल पढ़ी थी उसी जगह पे इसका भी टेस्ट हुआ था, अंडर INS चेन्नई। तो चलिए नेक्स्ट अनदर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल की बात करें, हमारे पास अगर न्यूक्लियर शक्ति की बात करेंगे तो शौर्य एक मिसाइल है विच इज न्यूक्लियर कैपेबल, ओके, एंड सबमरीन से इसको एक बैलिस्टिक मिसाइल से लॉन्च किया जाता है, और इसकी जो रेंज की बात करें तो 800 किलोमीटर तक भी ये जा सकती है दोस्तों, राइट। इट्स वेरी गुड टू नो कि हम 800 किलोमीटर तक हम आसपास जो भी एनिमी एरिया है उसको हम कवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मिसाइल, ओके। और एंटी रेडिएशन मिसाइल भी है हमारे पास, उसका नाम जो है रुद्रम है, जो कि डेवलप किया गया था फॉर इंडियन एयरफोर्स, ओके, और ये भी सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड है दोस्तों, जो Sukhoi-30 MI फाइटर जेट के बारे में आपने सुना ही होगा, उसके जरिए से इसको टेस्ट किया गया था। सो दिस इज अबाउट ऑल द जो मिसाइल्स है, जो वेरी इंपॉर्टेंट मिसाइल्स है जिसके बारे में जानना जरूरी है। अभी रिसेंटली इस साल में जो टेस्ट किया था वो भी मैंने आपको बता दिया, और लास्ट ईयर में जो टेस्ट किया था वो भी आप जान चुके हैं। तो टाइमिंग की अगर बात करें, क्यों इस तरह जो है रैपिडली DRDO नए नए टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है और क्या इसका मकसद है, तो उनके जो चीफ को जब इंटरव्यू किया गया था तो उन्होंने यही बताया कि जो टेंशन हैं हमारे और चाइना को लेकर, जो स्टैंड अप चलता रहा है लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा, राइट। तो पता नहीं आगे फ्यूचर में, चाइना तो चुपके बैठने वाला नहीं है, तो अगेन ही विल कम विद अदर न्यूसेंस ऑल्सो, तो उसको हम तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी रीज़न बताया कि कोविड की वजह से हम कई सारे मिसाइल्स को टेस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास भी जो स्टाफ थी वो भी 50% ही काम कर रही थी, तो उसके वजह से कई सारे टेस्टिंग भी स्टॉप हो चुके थे। तो उसके दौरान जो है सेप्टेम्बर अक्टूबर से लेकर और अभी तक अगर आपने देखा होगा तो रैपिड टेस्टिंग जो है शुरू हो चुकी थी। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज जो हमारा लेक्चर का रहेगा, कंपैरिजन विद अदर नेशंस। हम इंडिया चाइना के साथ कंपेयर करेंगे, राइट, ज्यादातर हमारा फोकस वही रहेगा, और थोड़े बहुत मैं आपको रशिया के बारे में, उनके बारे में आपको बता दूंगा जो नॉर्थ कोरिया है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो चाइना की अगर बात करें तो चाइना का जो रैंक है वो सेकेंड है इन मिलिट्री स्पेंडिंग, ओके, और इंडिया का जो रैंक है वो थर्ड है। सो इसका जो बजट अगर आप देखेंगे, चाइना का डिफेंस बजट, इट विल बी $261 बिलियन दोस्तों, ओके, एंड इंडिया का जो बजट है वो $71 बिलियन, राइट। जैसे कि आपने देखा होगा तो एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो उनके पास 3,210 एयरक्राफ्ट है इन कंपैरिजन टू इंडिया 2,122। तो अब हम लोग भी उनके बहुत करीब जा रहे हैं, बट एनी हाउ अगर आप डिफरेंस वाइज देखेंगे तो उनके हमारे एयरक्राफ्ट हमको मोर देन 1,200 एयरक्राफ्ट डिफरेंस। तो इंडिया को अभी जो है फास्ट कई सारे एयरक्राफ्ट्स को डिप्लॉय करने की जरूरत है। एंड नेक्स्ट 2020 का जब अगर बात करेंगे, सो चाइना हैज़ ए लार्जेस्ट एक्टिव मिलिट्री फोर्सेस इन द वर्ल्ड, जो कि उनके पास 2.18 मिलियन एक्टिव ट्रूप्स थे, ओके,
प्रेजेंट जो वर्किंग है, और इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, नॉर्थ कोरिया, रशिया की अगर बात करें, जो टॉप 5 कंट्रीज है उनके पास भी तो है लार्जेस्ट एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री फोर्स पाई गई है, बट चाइना भी जो है उनकी कंपटीशन में खड़ा रहा अकॉर्डिंग टू एक स्टैटिस्टिक्स निकाला गया। और ग्लोबल फायर पावर, जो हमेशा आपने सुना होगा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भी पब्लिश किया जाता है, तो उनके हिसाब से भी यही बताया कि सेम जो मैंने आपको पहले बताया था कि एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ कितना है, जो अकॉर्डिंग टू सिप्री, जो स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ उनके द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, उन्होंने भी यही बताया, और इनके द्वारा भी जो है यही बताया गया कि हमारा जो एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ है वो 2,123 एयरक्राफ्ट है। एंड चाइना हैज़ टू टाइम्स द नंबर ऑफ फाइटर जेट्स, अगर आपने देखा होगा हमारे से अगर आप कंपेयर करेंगे, राइट। इट ऑल्सो हैज़ ए 507 सर्विसेबल एयरपोर्ट्स ऑल्सो, जो अगर आप हमारे पास जो है 346 है, मगर उनके पास जो 507 सर्विसेबल एयरपोर्ट्स भी, ताकि इमरजेंसी लैंडिंग कर पाए। और अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा, चाइना हैज 10 times मोर देन जो रॉकेट जो प्रोपेलर्स आप कह सकते हैं उसको, हमारे से जो है 10 गुना ज़्यादा उनके पास है, राइट। एंड चाइना ऑल्सो हैव 36 डिस्ट्रॉयर्स वन कम्पेयर टू यू नो जो हमारे पास जितने हैं उसके ज़्यादा, 36 डिस्ट्रॉयर्स भी हमारे पास ज़्यादा, उनके पास ज़्यादा है, राइट। सो दिस इज अबाउट जो है टूडेज लेक्चर। तो अगर मैं आपको ओवरऑल लेक्चर की अगर बात करूँ, तो ये फिगर्स बताने का मेरा एक ही मकसद था कि ताकि आपको समझ में आ जाए, ओके, किस तरह हम चाइना से लैग हैं, पीछे हैं, इन द टर्म्स ऑफ डिफेंस बजट, इन द टर्म्स ऑफ एक्टिव मिलिट्री ट्रूप्स, इन द टर्म्स ऑफ एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ, ओके, इस सारे चीज़ों से अगर आप कंपेयर करेंगे तो चाइना हमारे से एक स्टेप अहेड ही है, ओके। तो समरी अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया को भी अभी बैलेंस ऑफ पावर करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि साउथ एशिया में आपका दबदबा बना रहे, क्योंकि ऑलरेडी चाइना जो है कई सारे यू नो नुस्खे आजमा रहा है हमारे इंडिया को, जो है जो 9 pearl string है वो यूज़ कर रहा है, और श्रीलंका में जो हम बटूटा पोर्ट को लेकर जो है वहाँ पे भी कब्जा कर चुका है, राइट। जिबूटी जो साउथ अफ्रीका है वहाँ पे भी कब्जा कर चुका है, उसका एयर बेस है, राइट। तो इंडिया को इट्स सराउंडिंग एवरीथिंग, अगर आप ओशन बॉर्डर्स को देखेंगे, तो हमें अगर बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखना है साउथ एशिया में, तो हम लोगों को भी जो है इम्पोर्टेड आइटम से डिपेंडेंस हटाना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, ओके, ताकि हम मेड इन इंडिया अगर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमारे पास भी जो है प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा। सो बूस्ट डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे, तो अभी तक इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट्स किस तरह रहा है वो भी मैं आपको एक छोटा सा जो है पेश कर देता हूँ, क्योंकि आप देख लीजिए ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प मिल जाए। सो एज पर डेटा पब्लिश बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो सिप्री भी हम कहते हैं, राइट, तो इंडिया का जो रैंक है, एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों, नॉट इम्पोर्ट्स, जो हमारी टेक्नोलॉजी हम दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं, उसका जो रैंक है वो 23rd है, ओके। और 2019 जब कंपेयर करेंगे 2015-2019 के 23rd रहा। अगर आप सिर्फ 2019 की बात कर रहे हैं तो हमारा जो रैंक है वो 19th है दोस्तों, ओके। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो एनुअल रिपोर्ट निकाली गई थी, उन्होंने भी अपना जो डिफेंस बजट है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स है, वो भी ग्रो होने की जो है बताया है इन्होंने, बिकॉज 10,745 crore, मोर देन 100% ग्रो होने की चांसेस जो बताए गए हैं फ्रॉम 2017 जो बताया गया था, एंड नेक्स्ट उसके बाद और 700% बढ़ा है अभी 2016-17 से अगर आप कंपेयर करेंगे, ओके। और द करेंट गवर्नमेंट अगर आप देखेंगे, मोदी जी गवर्नमेंट, सो दे आर मेनली फोकसिंग ऑन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, ताकि हमारा जो है एक इंडिया एक बेस बने, दूसरे कंट्रीज़ को हम जो है हमारी टेक्नोलॉजी को बेच सकें, हम एक्सपोर्ट कर सकें। और हमारे इंडिया का टारगेट भी है कि हम $5 billion तक जो कि मिलिट्री हार्डवेयर एक्सपोर्ट करेंगे बाय 2025। सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर दोस्तों। सो जाते जाते बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देर इज नीड टू क्रिएट एन एनवायरमेंट फॉर ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्री, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जो है सिर्फ DRDO के ऊपर बोझ डाल देंगे, या अगर आप इसरो के ऊपर बोझ डाल देंगे, तो आप कई सारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी इन्वॉल्व कीजिए, जैसे रिलायंस हो गया, उनके भी कई सारे डिफेंस अग्रीमेंट्स हो गए हैं, तो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कीजिए, और कई सारे स्टार्टअप्स हैं वो भी आना चाहते हैं, उनको भी चांस दीजिए, ताकि हम जो हमारा जो कैंपेन है आत्मनिर्भर भारत वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलता हूँ मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। द बीट्स फॉर यू नॉर्थ अमेरिका में बसने वाले भारतीयों का एक ऐसा इनिशिएटिव जिसका मकसद भारत की एजुकेशन और साइंस की डेवलपमेंट की बढ़ोतरी में अपना योगदान करना है। भारत की तालीम और साइंस का कंपैरिजन होगा चीन और अमेरिका के साथ।
बीच में आप देखेंगे टॉक शोज, पैनल डिस्कशंस, ट्यूटोरियल वीडियोस एंड डॉक्यूमेंट्रीज। सब्सक्राइब बीट्स यूट्यूब चैनल, लाइक फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम। विजिट इट्स वेबसाइट द बीट्स फॉर यू.com।